लोगों ने यहाँ पर हृदय अभिनंदन किया, स्वागत किया। और इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे वक्ता अभी अपना विचार यहाँ पर प्रकट करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से वर्तमान परिस्थितियां इस राज्य को, यहाँ के इस राज्य की जनता वो दंश झेल रही है, उन परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत रूप से विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। मैं केवल अपना विषय इस क्षेत्र की मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं की ओर केंद्रित रखूंगा, और वो मूलभूत आवश्यक आवश्यकताएं बड़े उम्मीद के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जनपद के उन बाल वृद्ध नर नारियों ने 1994 तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वो बिगुल बजाया था, जिस बिगुल में बजाने वाले उन युवा साथियों ने, जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया था, और जिस बात को स्वीकार करते हुए परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को उत्तराखंड राज्य के रूप में स्थापित किया था, बहुत सोच समझ करके और बहुत विचार विमर्श करने के उपरांत बहुत योजना पूर्वक इस राज्य को बनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो विषम भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है, विचार किया गया था कि इसका विकास एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत हो। मुझे याद आता है 2002 का वो पहला चुनाव, उस चुनाव में हम जब गांव के अंदर गए थे तो हमें दो दो दिन रात्रि विश्राम करके उन गांवों में जाना पड़ता था। हमारी स्थिति यह थी कि चार चार पांच पांच किलोमीटर तक स्कूल नहीं हुआ करते थे, और न केवल स्कूल बल्कि स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। हमें अच्छी तरह से याद है उस समय बेरोजगारी का वो दंश झेलने वाला ये क्षेत्र, इसके नाम पर पलायन के नाम पर होने वाला पलायन जो बेरोजगारी के नाम पर हुआ करता था, उस पलायन का दंश ये क्षेत्र झेला करता था। लेकिन 2012 का चुनाव आते आते आप ये देखते होंगे, आप ये महसूस करते होंगे, जिन गांव तक हम पैदल जाया करते थे, दो दो दिन रात्रि विश्राम करके उन गांव में जाया करते थे, वो सभी गांव सड़कों से जुड़ चुके थे, और जो गांव सड़कों से जुड़े नहीं थे उनके लिए 264 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की जा चुकी थी, कार्य प्रारंभ किया जा चुका था, 45 हाई स्कूल और इंटर खोल दिए गए थे, पॉलिटेक्निक ITI खोल दिया गया था। यही विषय नहीं, हमारी बहनों को वो नर्सिंग की शिक्षा की ग्रहण करने के लिए वो दूर जाते थे, प्रदेश से बाहर जाकर के नर्सिंग की शिक्षा लेते थे, हमने यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत कर दिया, नर्सिंग स्कूल भी स्वीकृत किया। यही नहीं, हमने यहाँ की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की, उसकी स्वीकृति दी, और जब तक वो बिल्डिंग बनती, जब तक स्पोर्ट्स कॉलेज प्रारंभ होता, तब तक एथलेटिक हॉस्टल के रूप में यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में हमने वो कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी, और उसके साथ साथ हमारा ये इस क्षेत्र को एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने का सपना धीरे धीरे करवट लेने लगा और साकार होने लगा। हमारा ये लक्ष्य था कि ये जो पॉलिटेक्निक ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार नौजवान निकले, उन बेरोजगार नौजवानों को किस प्रकार से रोजगार दिया जा सके, इसके लिए भी परिकल्पना हमने निर्धारित की थी, जिसके तहत इस संपूर्ण जनपद के अंदर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया, जिन स्थानों पर निष्प्रयोज भूमि पड़ी है उस भूमि को सिडकुल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हमारा ये सपना था कि हम उस सभी निष्प्रयोज भूमि में सिडकुल की इंडस्ट्रियल इस्टेट की स्थापना कर सकें, उस इंडस्ट्रियल इस्टेट में हम चाहते थे कि यहाँ पर हम IT सेक्टर, BPO इत्यादि जो ऐसे औद्योगिक जो सूचना औद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनकी इंडस्ट्री यहाँ पर आ सके, ऐसे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग यहाँ पर विकसित हो सके, इसी के लिए 2008 में हमने इस औद्योगिकरण के लिए हमने अपने राज्य की अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई, जिसमें हमने केंद्र की उस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर राज्य के अंदर भी पैकेज का विकास करना प्रारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य से 2012 में परिवर्तन का एक वातावरण बना, और उस परिवर्तन के वातावरण में वो सब कुछ धुल गया, और वो परिवर्तन का वातावरण, जिस परिवर्तन का वो दंश आज की जनता झेल रही है, हमने 4.5 साल तक कुछ नहीं बोला। हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर हम बोलते तो ये योजनाओं को, विकास की योजनाओं के लिए ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये हम विकास की योजनाएं नहीं ला पाए। इन्होंने खाक पंपिंग योजना, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, 35 मिलियन लीटर पानी एक दिन में आ सकता था, इस क्षेत्र के अंदर ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए संपूर्ण गांव की क्षेत्र को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता था। अक्टूबर 2012 में जिसके टेंडर निर्धारित थे और अक्टूबर 2015 में योजना पूरी होनी थी, पैसा पूरा स्वीकृत करके हम छोड़ गए थे, लेकिन वो योजना केवल इसलिए निरस्त की गई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो योजना स्वीकृत की गई है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। हम नहीं बोले, हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि इन्होंने कहा हम आंवला घाट से पानी ला
लगाएंगे। हमने कहा पूरा अवसर है, जनता ने आपको जनादेश दिया है, आइए आप विकास कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप पानी लाइए। लेकिन हुआ क्या, 56 बार इन्होंने जाकर के आंवला घाट का निरीक्षण किया, समाचार पत्रों में इन्होंने कहा, प्रचारित प्रसारित किया कि यह हम 56 बार इस आंवला घाट परियोजना का निरीक्षण करने जा चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, आज 7वें दिन पानी मिल रहा है पिथौरागढ़ की जनता को, अनेकों अनेक क्षेत्र हैं जिनके यहाँ एक दिन छोड़ करके पानी दिया जाता है। आखिर वो पानी की योजना क्या हुई? हमसे कहते हैं कि आप जेल स्वीकृत की, हाँ हमने जेल स्वीकृत की है, और जेल हम 2017 से 22 के कार्यकाल में बनाएंगे भी, और उन सभी भ्रष्टाचारियों को उस जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। वो जेल जो हमने स्वीकृत की थी, आपने उस जेल को भी ठंडे बस्ते पर डाल दिया। रई झील जो हमने स्वीकृत की थी, आपने उसको भी ठंडे बस्ते पर डाल दिया। थरकोट झील जो हमने स्वीकृत की थी, आपने उसको भी ठंडे बस्ते पर डाल दिया। जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा 2017 में। अब हम आ गए आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी सबल और सक्षम तरीके से आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके इस जनता की समस्याओं के साथ खड़ी है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके मध्य ये संकल्प लेकर के आज यहां पर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर आप दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला तो हम वो 17 बड़े प्रोजेक्ट जो इन्होंने ठंडे बस्ते पर डाल दिए, उन सभी प्रोजेक्टों को पूरा करेंगे इन 5 वर्षों के अंदर। केवल यही नहीं, हमने जो सपना देखा है सिडकुल की स्थापना का, उस सिडकुल की स्थापना भी इस उत्तराखंड के इस सुदूर सीमावर्ती अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हुए इस विषम भौगोलिक परिस्थिति के इस जिले में करके दिखाएंगे। और यही नहीं, हमने एजुकेशनल हब के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास किया था, और उस प्रयास में केवल एकमात्र कमी अभी रही है, वो है मेडिकल कॉलेज, और उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी पिथौरागढ़ में इन 5 वर्षों के अंदर होगी। ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो बेस हॉस्पिटल जिसको उस परिवर्तन का दंश झेलना पड़ा, वो बेस हॉस्पिटल जिसे इन्होंने परिवर्तित करके दूसरी जगह बनाया, हम नहीं बोले, हमने कहा बनाओ। इन 5 वर्षों में आपने बेस हॉस्पिटल का उस 2.5 करोड़ रुपया जो जनता की गाड़ी पसीने की कमाई उसमें खर्च हुई है, उसको आपने ठंडे बस्ते पर डाल दिया। बना करके दिखाइए, ये हमने कहा था, अवसर पूरा दिया है, लेकिन अब कोई अवसर नहीं है, क्योंकि वो इस पिथौरागढ़ के विकास के अवरोध हैं। उन्होंने केवल और केवल इस जनता को दिग्भ्रमित करके इस क्षेत्र में आकर के विकास की गंगा बहाने का वायदा किया था। हमने भी कहा है बदला नहीं बदलाव होगा, इस क्षेत्र का विकास और विकास होगा, ये संकल्प लेकर के हम आए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, न भय न भ्रष्टाचार, न भय न भ्रष्टाचार, अब की बार न भय न भ्रष्टाचार, अब की बार न भय न भ्रष्टाचार। मैं एक अनुरोध माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहूंगा, यहां केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत अधिक संख्या है, उनके सेवानिवृत्त उनके परिवारजन यहां पर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर केवल 2 CGHS की डिस्पेंसरियां इस समय वर्तमान में हैं, और वो CGHS की डिस्पेंसरियां भी देहरादून में हैं। जो चिकित्सालय उसके माध्यम से इम्पैनल किए गए हैं अति विशिष्ट चिकित्सा के लिए, वो भी देहरादून में है, और ये 500 किलोमीटर से अधिक का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को CGHS की सुविधा मिल सके। और चूंकि हमने संकल्प लिया है मेडिकल कॉलेज का, उस संकल्प के लिए भी आपका आशीर्वाद हमको मिल सके, इसी अनुरोध के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी मंचा सिंह अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।